खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। मजदूरों व छात्रों की राज वापसी को लेकर राजद नेताओं ने रखा उपवास। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों और छात्रों को वापस बुलाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर राजद के पूर्व अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरविंद चंद्रवंशी एवं उनके साथ राजद नेताओं ने 2 घंटे तक सांकेतिक उपवास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहारी मजदूरों पर और छात्रों को वापसी नहीं बुलाना नीतीश सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से जूझ रही है मजदूरों एवं छात्रों को पक्ष में राजद नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा राजद परिवार हर संभव मदद के लिए खड़ा है। आज जो धरना प्रदर्शन आप लोग बैठे हो, आज राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री जगतानंद प्रसाद सिंह जी और बिहार प्रदेश प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर, चूँकि 35 दिन से ऊपर लॉकडाउन हो गया है और बिहार सरकार अक्षम साबित हो रही है हमारे अप्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाने के लिए, और हमारे जो बिहार के जो छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे बिलख रहे हैं, उन लोगों के बिहार सरकार की अकर्मण्यता अक्षमता के विरोध में हम लोग अपने अपने घरों में 2 घंटे का धरना, सांकेतिक धरना पर हम लोग बैठे हैं। नाम अरविंद चंद्रवंशी, अरविंद चंद्रवंशी पूर्व जिलाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल नवादा। अपने आवास पर ही राजद नेता भानु चंद्रवर्षी ने सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए अपने कुछ समर्थकों के साथ सांकेतिक तौर पर 2 घंटे के लिए उपवास कर बैठे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर राजद पूर्व जिलाध्यक्ष अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ अरविंद चंद्रवंशी के अलावा पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अरुण सिंह, नगर अध्यक्ष भानु प्रताप चंद्रवंशी समेत राजद कार्यकर्ताओं ने उपवास मजदूरों की वापसी के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सांकेतिक अनशन पर बैठे हैं। नवादा ब्यूरो रिपोर्ट।